वेलकम टू सूर्या ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो आप लोग? आज हम लोग जो है क्लास टेंथ के फिजिक्स के चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन के एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 19 तक की सभी एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पलर क्वेश्चंस जो होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हर एक क्वेश्चन को मैं जो है बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। अगर अभी तक आप लोगों ने जो है बाकी सभी चैप्टर्स के एग्जाम्पलर वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग जो है चैनल में जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो। मैंने सभी चैप्टर्स के एग्जाम्पलर वीडियोस करा रखे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट। ऑप्शन ए कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर एज वेल एज कॉन्केव लेंस, ऑप्शन सी टू प्लेन मिरर प्लेस्ड एट 90 degrees टू ईच अदर, एंड ऑप्शन डी कॉन्केव मिरर एज वेल एज कॉन्केव लेंस। तो देखिए क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन में हमसे ये बोल रहा है कि हम लोगों के पास एक पॉइंट सोर्स है। हम लोगों के पास क्या है? एक पॉइंट सोर्स है, और हम लोग क्या कराना चाहते हैं, इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट कराना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास पॉइंट सोर्स है, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं। और इंसिडेंट कराने के बाद हमको कैसी लाइट रे चाहिए? हमको एक ऐसी लाइट रे चाहिए है जो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। कैसी हो जाए? पैरेलल हो जाए। तो हमें एक ऐसा मिरर और एक ऐसे लेंस को बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग जो है बेटा कॉनकेव मिरर को देखते हैं। अब देखिए कॉनकेव मिरर की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो मान लो हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ये आपका फोकस पे रखा है, और क्योंकि ये बहुत छोटा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे रखा हुआ है। आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर हमारी लाइट रे जो है फोकस से पास करेगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो यही तो हमसे बोल रहा था कि हमको क्या चाहिए, हम लोगों को रिफ्लेक्टेड रे कैसी चाहिए, पैरेलल चाहिए। तो हमारा मिरर कैसा रहा होगा? ये आपका कॉनकेव मिरर रहा होगा। अब हम लोग जो है लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग बेटा कॉन्वेक्स लेंस को लेते हैं, ठीक। अब कॉन्वेक्स लेंस के केस में अगर हम लोग देखें तो आप लोग खुद ऑब्जर्व करो जरा बेटा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है एफ पे रखा होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है आपके फोकस पे रखा होगा, तो रिफ्रैक्शन के बाद आपकी जो रिफ्रैक्टेड रे होंगी ये आपके पैरेलल हो जाएंगी आपस में कि नहीं हो जाएंगी? तो हमारा लेंस कौन सा हो जाएगा? आपका कॉन्वेक्स लेंस हो जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा आंसर करेक्ट क्या होगा? कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस। अब हम लोग जो है ऑप्शंस को देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ये बेटा आपका न्यूमेरिकल है, हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 mm लॉन्ग ऑल पिन इज प्लेस्ड वर्टिकली इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर। हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ए 5 mm लॉन्ग इमेज ऑफ द ऑल पिन इज फॉर्म्ड एट 30 cm इन फ्रंट ऑफ द मिरर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर। सिंपल सी बात है बेटा, हम लोगों को क्या दे रखा गया है, कॉनकेव मिरर दे रखा गया है, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर दे रखा गया है तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर बना दो। ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। हम लोगों को ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी गई है, दैट इज 10 mm। ये आपके ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? 10 mm है, ठीक है। अब 10 mm इक्वल्स टू क्या होगा? 1 cm होगा। तो देखिए आपकी ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? 1 cm है, ठीक। अब इसकी जो इमेज बन रही है, ये इमेज जो है आपकी 5 mm की बन रही है, एंड दैट इज अ रियल इमेज। तो यहाँ पे अगर हम लोग इमेज देखें बेटा तो 5 mm किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल्स टू 1/2 cm, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस का 0.5 cm। तो इमेज हमारी कितनी हो गई? माइनस का 0.5 cm। अब क्या बोल रहा है बेटा कि इज फॉर्म्ड एट 30 cm इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अब ये जो इमेज हमारी बन रही है ये इस मिरर के सामने बन रही है 30 cm की दूरी पे।
तो देखिए वी हमारा क्या हो गया, माइनस का 30 सेंटीमीटर हो गया। हमसे क्या बोल रहा है कि हमें एफ बतानी है, तो एफ को फाइंड करने के लिए बेटा सबसे पहले हमको यू को फाइंड करना पड़ेगा, देन हम लोग एफ को फाइंड कर पाएंगे। तो सिंपल सी बात है, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि एम इक्वल्स टू क्या होता है, एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू माइनस का वी अपॉन यू। तो देखिए हमें इमेज की हाइट भी गिवन है, ऑब्जेक्ट की भी हाइट गिवन है, यू की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, वी की वैल्यू गिवन है, तभी हम लोग फोकस बता पाएंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें बेटा, तो सिंपल सी बात है, हाइट ऑफ द इमेज आपके कितनी है, माइनस का 0.5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है आपका 1 सेंटीमीटर, माइनस वी आपका कितना है बेटा, माइनस का 30 सेंटीमीटर, और यू आपका कितना है बेटा, यू हमें फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, तो आप लोग यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से अगर आप लोग देखो तो u की वैल्यू आपके कितनी आ जाएगी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप लोग इसको इस तरीके से कर सकते हो, माइनस का 0.5 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 30 अपॉन u, तो u आपका कितना आ जाएगा, u आपका आ जाएगा बेटा 60 सेंटीमीटर, माइनस का कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब हम लोग f को फाइंड कर ले रहे हैं, तो मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे, तो 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ, हमको 1 अपॉन एफ चाहिए। तो यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1 अपॉन 60 प्लस वी कितना है, माइनस का 1 अपॉन 30। तो इसका एलसीएम बेटा हम लोग लेंगे, एलसीएम हमारा कितना आएगा, एलसीएम आपका 60 आ जाएगा। तो देखिए 60 तो यहाँ पर माइनस 1 आएगा, 60 तो यहाँ पर माइनस 2 आएगा, तो 1 अपॉन एफ कितना हो जाएगा, माइनस का 3 अपॉन 60। तो देखिए 3 2 60, तो f हमारी कितनी आ जाएगी, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमारी कितनी रही होगी बेटा, 20 सेंटीमीटर रही होगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ए कॉनकेव मिरर कैन फॉर्म एन इमेज लार्जर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉनकेव मिरर के किस केस में हमें हमारी जो इमेज है वो रियल मिलती है, रियल इमेज मिलती है और लार्जर इमेज मिलती है, ये हमको बताना है। देखिए आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है भाई, ये फोकस हो गई, ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका पोल हो गया, ठीक है। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है बेटा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हम लोग रख दें तो हमें कैसी इमेज मिलती है, हम लोग चेक कर ले रहे हैं, हम लोगों को यहाँ पे रियल इमेज मिलती है और लार्जर इमेज मिलती है। तो देखिए एक लाइट रे हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल पास कराई, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास कर जाएगी, और दूसरी लाइट रे हम लोग क्या करेंगे बेटा, दूसरी लाइट रे हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग पास कराएंगे तो रिफ्लेक्शन के बाद ये वापस से क्या कर जाएगी, लौट जाएगी, तो हम लोगों को इमेज जो है, देखिए ये कुछ ज़्यादा ही बड़ी इमेज हो गई है, लेकिन इमेज हमको कहाँ मिल रही है, इमेज हमको रियल मिल रही है और लार्जर इमेज मिल रही है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फिगर बिल्कुल सही बना है बेटा, आप लोग जब इसको स्केल से बनाओगे, अच्छे तरीके से बनाओगे, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा होता है तो ये रियल इमेज की फॉर्मेशन करता है, आप लोगों ने नोट्स में पढ़ा भी होगा अच्छे तरीके से, और लार्जर साइज की इमेज को बनाता है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो आपका जो ऑप्शन सी है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं। अब हम लोगों को फिगर 10.1 को देखना है और बताना है कि रे ऑफ लाइट एज इट ट्रेवल्स फ्रॉम ए मीडियम ए टू मीडियम बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी रिलेटिव टू मीडियम ए। हम लोगों को बेटा क्या बताना है, हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है बी का, हम लोगों को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है बी का विद रिस्पेक्ट टू ए, या आप लोग इसको लिख सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग स्नेल्स लॉ का यूज़ करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बताने के लिए, ठीक है। अब एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि जहां पे जिस मीडियम में हमारी रिफ्रैक्टेड रे जा रही है
भाई मीडियम ए में हमारी इंसिडेंट लाइट रे है और मीडियम बी में हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड लाइट रे है। तो ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट रे जिस मीडियम में होती है हम लोग उसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टेड लाइट रे हमारी क्या है, मीडियम बी में है, तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का निकाल रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हम लोगों ने स्नेल्स लॉ में पढ़ा था कि एन इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे साइन आई आपका क्या होगा भाई, इंसिडेंट रे ये है बेटा और ये आपका नॉर्मल है, तो इंसिडेंट लाइट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज इक्वल्स टू साइन आई, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है दैट इज इक्वल्स टू साइन आर। ठीक है, तो देखिए आपका एंगल कितना है, एंगल आई आपका 60 डिग्री है, तो साइन 60। अब रिफ्रैक्शन का एंगल क्या है आपका, 45 डिग्री, साइन 45। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू को फाइंड करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो हमारा क्या निकल के आएगा, साइन 60 की वैल्यू बेटा रूट 3 बाई 2 और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन रूट 2। इसको आप लोग और अच्छे तरीके से लिख सकते हो, रूट 3 2 को क्या लिख सकते हो, रूट 2 इंटू रूट 2 अपॉन 1 अपॉन रूट 2। तो देखिए रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू रूट 3 बाई रूट 2। आ गया कि नहीं आ गया? एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि जहां जिस मीडियम में हमारी रिफ्रैक्टेड रे होगी उसी मीडियम का हम लोग क्या कर रहे होंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता रहे होंगे। तो यहां पे अगर हम लोग देखें तो ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? सिंपल सा हम लोगों ने स्नेल्स लॉ लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इन्होंने घुमा दिया है। ए लाइट रे इंटर्स फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। तो देखिए लाइट रे मीडियम ए से मीडियम बी में इंटर कर रही है। अब ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर रही है, तो मीडियम ए हमारा रेयरर मीडियम रहा होगा और मीडियम बी हमारा क्या होगा, डेंसर मीडियम होगा। तो देखिए लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम में बेंड कर रही है। हमको क्या बताना है बेटा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है मीडियम बी का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम ए। तो देखिए रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका बी का ए के रिस्पेक्ट में क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, यही तो होगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब आप खुद सोचो डेंसर मीडियम का बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। तो देखो एन बी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और रेयरर मीडियम का जो आपका रेयरर मीडियम होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो देखिए अगर हम लोग एक छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, अगर एक छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ये जो नंबर है हमारा जो हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा हमेशा 1 से बड़ा मिलेगा। कितना मिलेगा, 1 से बड़ा मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज ग्रेटर देन यूनिटी, ये आपका 1 से हमेशा बड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बीम ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए बी एंड इमर्ज आउट ऑफ द बॉक्स थ्रू होल्स सी एंड डी रिस्पेक्टिवली शोन इन फिगर 10.4। तो यहाँ पे आप लोग जो है बेटा फिगर 10.4 को देख सकते हो। हम लोगों ने लाइट को क्या कराया, इंसिडेंट कराया ए से और बी से, और ये सी और डी पे जा करके क्या मिल रही है हमको, इमर्ज कर रही हैं। ये आपका ए और बी से हम लोगों ने पास कराई तो ये आपकी इंसिडेंट रे हो गई और ये आपकी क्या हो गई बेटा, ये आपकी इमर्जेंट रे हो गई। अब ये हमारे पास पूरा क्या है बेटा, मान लो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ग्लास है, हमको नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने जब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कराया था तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा था, वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि आपकी जो इंसिडेंट लाइट रे है और जो आपकी इमर्जेंट रे है उसमें कुछ शिफ्ट हो रहा है, उसमें कुछ लेटरल शिफ्ट हो रहा है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखो बेटा तो यहाँ पे भी हमारी लाइट रे क्या कर रही है, यहाँ पे भी तो हमारी लाइट रे में कुछ लेटरल शिफ्ट हो रहा है, बाद में जाकर के ये क्या कर रही हैं, आपस में पैरेलल हो जा रही हैं, लेकिन इनके बीच में क्या हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बेटा इनके बीच में, तो बीच में क्या रखा होगा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रखा होगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए
ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ईजी क्वेश्चन है, दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं, अपने आप हो जाएगा। ए बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट थ्रू द होल्स ऑन साइड ए। ठीक है, तो देखिए एक बीम ऑफ लाइट जो है आपके यहाँ से इंसिडेंट कर रही है, ठीक है, और ये आपके एक बॉक्स में एक यहाँ पे होल है, इससे बाहर निकल रही है। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हो कि यहाँ पे हमारी जो इंसिडेंट रे है पैरेलल है, और जो हमारी होल से बाहर निकल रही है रे, जो हमारी इमरजेंट रे है जो पास कर रही है, दैट इज एक पॉइंट पे क्या कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। कर रही है कि नहीं कर रही है भाई, एक पॉइंट पे जाकर के मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि इस बॉक्स के अंदर क्या रखा है। ऑप्शन ए कॉनकेव लेंस, ऑप्शन बी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ऑप्शन सी प्रिज्म एंड ऑप्शन डी कॉन्वेक्स लेंस। तो सिंपल सी बात है बेटा कि अगर लाइट रे एक पॉइंट पे जाकर के कन्वर्ज कर रही है, सिंपल सी बात है, तो क्या रहा होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। अगर कन्वर्जिंग लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे आप लोग लेंस को रख के भी देख सकते हो। तो देखिए ये लाइट रे यहाँ पे आपकी फॉल करी, रिफ्रैक्शन के बाद ये यहाँ से पास कर गई, 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 ये नीचे वाली यहाँ से पास कर गई, ये यहाँ से पास कर गई, ये देखो रिफ्रैक्शन के बाद यहाँ से पास कर गई, ये वाली यहाँ से पास कर गई, ठीक है, ये वाली भी यहाँ से ऐसे पास कर गई सारी। तो यहाँ पे आपका क्या रखा है, यहाँ पे आपका कॉन्वेक्स लेंस रखा है। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा बेटा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम लोग कितने आसानी से करते हुए आ रहे हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ रखा है, तो ऐसे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, धीरे धीरे जो है हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हम लोगों को जो है दिमाग लगाना होता है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, हमसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो पहली वाली स्टेटमेंट में कॉन्वेक्स लेंस गिवन है, जिसकी पावर कितनी है 4 डायोप्टर की है, और फोकल लेंथ 0.25 मीटर है। तो हम लोगों को पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, 1/F होता है, ठीक है। तो अगर हमारी F जो है बेटा 0.25 मीटर है, तो पावर यहाँ से कितनी आएगी, तो 1/0.25, तो पॉइंट हटाएंगे ऊपर दो जीरो आएंगे, तो 25 × 4 = 100, ठीक। अब कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो पावर भी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये प्लस का 4 डायोप्टर आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ से हम लोगों को नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर कितनी है, 4 डायोप्टर आएगी, अगर उसकी फोकल लेंथ 0.25 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई ए रेयर व्यू मिरर फिल्ड इन व्हीकल्स। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो आपके रेयर व्यू मिरर्स होते हैं, दे आर कॉन्वेक्स मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, और हमेशा जो इनकी इमेज बनती है, ये इमेज छोटे साइज की बनती है, स्मॉलर इमेज बनाते हैं हमेशा, और ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। ये हम लोगों को पहले से ही कंडीशन पता है। तो हमसे क्या बोल रहा है कि इनकी मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या रहेगी। तो सिंपल सी बात है, चेक कर लेते हैं। तो एम इक्वल्स टू क्या होता है, HI/HO। अब देखो HI की वैल्यू छोटी है, HO की वैल्यू बड़ी है। मान लो इमेज हमारी 2 सेंटीमीटर की बन रही है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, 8 सेंटीमीटर का रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे आप देखो 2 को जब हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमेशा हमें जो है, आप लोग इसको सॉल्व करो, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8। अब इसको सॉल्व करोगे तो हमेशा हमारा जो मैग्निफिकेशन है ये <1 आएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके भी चेक कर सकते हो। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज <1। तो इनका जो मैग्निफिकेशन होता है, दैट इज ऑलवेज <1। अब हम लोग जो है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि रेस फ्रॉम सन कन्वर्ज एट ए पॉइंट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉनकेव मिरर, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट टू बी प्लेस्ड सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हमारे पास एक कॉनकेव मिरर रखा हुआ है बेटा। अब सन से जो है बेटा, सन से हमारी लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है। अब आप लोग खुद सोचो, सन से लाइट रेज आ रही है मतलब सन हमारा एक बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो मतलब इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही हैं। अगर इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही होंगी तो ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ पे जा करके मिलेंगी
ये आपके फोकस पे मिलेंगी जा करके बेटा। और फोकस का डिस्टेंस हमको कितना दे रखा गया है, 15 सेंटीमीटर दे रखा गया है, क्योंकि सन से जो लाइट रेज आएंगी ये आपका इन्फिनिटी से आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद जो है बेटा ये आपके फोकस पे मिलेंगी, और इसकी वैल्यू कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में बेटा क्या बोल रहा है कि हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें, हम अपने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें कि हमें जो इमेज है वो सेम साइज़ की मिल जाए हमारे ऑब्जेक्ट की, मीन्स हाइट ऑफ द इमेज इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाए। तो आप लोगों ने पढ़ रखा है अगर हम लोग जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारी इमेज जो है सेम साइज़ की बनेगी, मैंने आप लोगों को चैप्टर में पढ़ाया था। तो देखिए अगर फोकस आपका 15 सेंटीमीटर है तो आर कितना होगा, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर इक्वल्स टू 2f के बराबर होगा, तो 2 × 15 दैट इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बेटा जो है अगर हमारा ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा होगा, मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा होगा, तो इसका जो साइज़ होगा इमेज का ये हमारे ऑब्जेक्ट के साइज़ के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 11। ए फुल लेंथ इमेज ऑफ ए डिस्टेंस टॉल्ड बिल्डिंग कैन बी डेफिनेटली सीन बाई यूजिंग ऑप्शन ए कॉनकेव मिरर, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर, ऑप्शन सी प्लेन मिरर एंड ऑप्शन डी बोथ कॉनकेव एज वेल एज प्लेन मिरर। तो सिंपल सी बात है, हमसे क्या बोल रहा है कि बेटा बहुत बड़ी टॉल बिल्डिंग है और इस टॉल बिल्डिंग को हम लोगों को देखना है भाई, हम लोगों को इसकी इमेज को देखना है, तो इसके लिए हम लोग कौन से मिरर का यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात है बेटा, हम लोगों को एक टॉल बिल्डिंग की इमेज चाहिए, तो हम लोग इसको छोटे से एरिया में चाहते हैं, हम लोग भाई बहुत बड़ा मिरर थोड़ी ना लगाएंगे, हम लोगों को छोटा सा मिरर चाहिए। और आप सभी लोगों को पता है कि कॉन्वेक्स मिरर इन कामों में माहिर है। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर हमारा क्या करता है, हमको डिमिनिश्ड इमेज प्रोवाइड करता है, छोटी इमेज प्रोवाइड करता है, तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग की इमेज जो है बड़े आसानी से हम लोगों को प्रोवाइड कर देगा और उस बिल्डिंग को हम लोग जो है बड़े आराम से देख भी सकते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी अ कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। इन टॉर्चेस सर्च लाइट हेडलाइट्स ऑफ व्हीकल द बल्ब इज यूज्ड। तो सिंपल सी बात है बेटा, मैंने आप लोगों को जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि टॉर्चेस में सर्च लाइट में और व्हीकल्स की जो हेडलाइट होती हैं यहाँ पे आपका कॉनकेव मिरर रखा होता है, क्या रखा होता है, कॉनकेव मिरर रखा होता है। अब हमसे बोल रहा है कि हमें ये बता दो कि हम लोग जो है कहाँ पे बल्ब को रखें, कहाँ पे बल्ब को रखें जिसकी वजह से हमें पैरेलल लाइट मिल जाए। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है, बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर, ऑप्शन बी में वेरी नियर टू द फोकस ऑफ द रिफ्लेक्टर, ऑप्शन सी बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्शन डी एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्लेक्टर। तो देखिए हमारे पास क्या है बेटा, ये हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। अब आप लोग खुद सोचो, अगर हम अपने ऑब्जेक्ट को, अगर हम अपने रिफ्लेक्टर को कहाँ पे रख दें, फोकस पे रख दें, तो फोकस पे अगर हम लोग इसको रखेंगे तो हमको क्या मिलेगी बेटा, पैरेलल बीम मिल जाएंगी, ये सारी लाइट रेज आपकी क्या होंगी, पैरेलल होंगी, जिसकी वजह से जो है हम लोगों को एक पैरेलल बीम मिलेगी, मिलेगी कि नहीं मिलेगी पैरेलल बीम, और हम लोग जो है बड़े आसानी से ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे जो भी हमारा रखा होगा। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो रिफ्लेक्टर होता है ये आपके फोकस के पास रखा होता है, क्योंकि जब ये फोकस के पास रखा होता है तो रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज हैं ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं और यहाँ पे हमको पैरेलल बीम मिलती है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13। द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड्स गुड फॉर ऑप्शन ए प्लेन मिरर, ऑप्शन बी कॉनकेव मिरर, ऑप्शन बी कॉन्वेक्स मिरर एंड ऑप्शन डी ऑल मिरर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये सभी मिरर्स के लिए जो है बेटा एप्लीकेबल होता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप एंड साइज। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, ये आपका एक्चुअल में एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, द पाथ ऑफ रे लाइट कमिंग फ्रॉम एयर पासिंग थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ट्रेस्ड बाई 4 स्टूडेंट्स। तो देखिए 4 स्टूडेंट हैं ए बी सी डी, इन्होंने जो है बेटा ट्रेसिंग करी कि इन्होंने जब लाइट रे को पास किया रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से तो इन्होंने ट्रेसिंग करी। तो हमको बता दो कि करेक्ट ट्रेसिंग किस स्टूडेंट ने करी। तो सिंपल सी बात है, अगर आप लोग बेटा बी वाले स्टूडेंट को देखो तो यहाँ पे एक नॉर्मल है, यहाँ पे एक नॉर्मल है।
अब देखिए आपकी जो इंसिडेंट लाइट रे है यहाँ पे इमरजेंट लाइट रे के क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है, हो रही है कि नहीं हो रही है। तो स्टूडेंट बी ने जो है बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से ट्रेसिंग करी है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। तो स्टूडेंट बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 15। यू वर गिवेन वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन एंड केरोसिन। इन विच ऑफ दीज मीडियम इज ए रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली एट सेम एंगल वुड बेंड द मोस्ट। तो देखिए सिंपल सी बात है बेटा, यहाँ पे हमको बोल रहा है कि हमको चार मीडियम दे दिए गए, वाटर, मस्टर्ड ऑयल, ग्लिसरीन और केरोसिन। हमसे बोल रहा है कि किस मीडियम में हमारी जो लाइट रे है वो सबसे ज़्यादा बेंड करेगी। अगर हमारा जो इंसिडेंस एंगल है, अगर साइन आई सबका सेम है, तो बेंडिंग सबसे ज़्यादा किस मीडियम में होगी। तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता है उतना ही ज़्यादा बेंडिंग होती है, होती है कि नहीं होती है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखिए तो आपके बुक में सबसे ज़्यादा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये आपका ग्लिसरीन का होता है, ठीक है। तो जिसका जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा बेंडिंग होगी, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है ग्लिसरीन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अराउंड 1.47 होता है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसमें बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट। तो देखिए हमारा एक रे डायग्राम दे दिया गया है, बेसिक रे डायग्राम 10.6। यहाँ पे लाइट रे जो है हमको कॉनकेव मिरर गिवन है, लाइट रे हमारी प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आ रही है, तो ये कहाँ से पास करेगी, ये आपके बेटा फोकस से पास कर जाएगी, हम लोगों ने रूल्स में पढ़ रखा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो फिगर जो डी है आपका ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन जो है डी आपका ये करेक्ट आंसर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, अगेन हमसे क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट, ठीक है, फॉर ए लेंस इन फिगर 10.7। तो देखिए हमको 10.7 फिगर गिवन है बेटा, यहाँ पे लाइट रे जो है हमारी फोकस के ऊपर इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या होगी, आपके प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो आपका जो फिगर ए है ये करेक्ट आंसर रहा होगा, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है बेटा, अगर आप लोगों ने चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ रखा है तो बड़े आसानी से आप लोग इनको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 18। ए चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर। तो एक लड़की है बेटा, क्योंकि यहाँ पे शी गिवन है तो लड़कियाँ ये काम करती हैं भाई, मिरर के सामने ज़्यादा टाइम खड़ी रहती हैं। तो देखिए एक लड़की है, वो एक मैजिक मिरर के सामने खड़ी है, जिसकी वजह से जो है उसका हेड जो है बड़ा हो गया है, जिसकी वजह से उसका हेड बड़ा हो गया है। जो मिडिल वाला पोर्शन है बेटा वो उसका सेम साइज़ का है, और जो उसके लेग्स हैं वो बहुत ही पतले हो गए हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ही पतले हो गए हैं। तो हमसे बोल रहा है कि अब जो हमारा मैजिक मिरर है ये किस तरीके के मिरर की कॉम्बिनेशन की वजह से बना होगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, अगर हमें हेड बड़ा दिख रहा है, अगर हमारा हेड बड़ा हो गया तो ऊपर क्या रहा होगा, कॉनकेव मिरर रहा होगा। मिडिल वाला पोर्शन है बॉडी का, अगर वो सेम साइज़ का है, वो सेम साइज़ का अगर है तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्लेन मिरर लगा होगा, ये हमारा प्लेन मिरर होगा, ऊपर कॉनकेव मिरर, नीचे सेम साइज़ का प्लेन मिरर। और पैरों में हम लोगों को कैसी इमेज मिल रही है, बहुत छोटी इमेज मिल रही है, डिमिनिश्ड इमेज मिल रही है, तो यहाँ पे आपका कॉनवेक्स मिरर लगा होगा। तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन होगा दैट इज़ कॉनकेव, प्लेन और कॉनवेक्स। तो अगर हम लोग ऑप्शन सी को देखें बेटा तो ये आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब हम लोग जो है बेटा अपने लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इनफिनिटी विल बी डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज्ड। यहाँ से अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रहा है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज है वो हमेशा जो है पॉइंट साइज बनेगी और डिमिनिश्ड बनेगी। तो हमसे क्या बोल रहा है कि हमको ऐसा लेंस बता दो और मिरर बता दो। तो अगर आप लोग जो है चेक करके देखोगे तो हर एक केस में, चाहे फिर वो आपका कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव मिरर हो, कॉनवेक्स मिरर हो या कॉनवेक्स लेंस हो, हर एक केस में अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो हमेशा हमें जो है
इमेज पॉइंट साइज्ड और डिमिनिश्ड ही मिलेगी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो हमारा ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम लोगों ने जो है लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के NCERT एग्जाम्पलर के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट पार्ट जो है इसका बेटा कल अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग जो है अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को नोट्स की PDF डाउनलोड करनी है या किसी भी तरीके का दिक्कत आ रही है तो आप लोग जो है इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हो या टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।